Hello students, today I am going to discuss the mathematical methods of drawing correlation. भौगोलिक तथ्यों में दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन को जानने के लिए अनेक विधियां हैं. हमने ग्राफिकल मेथड्स को भी अलग किया था, जहां कोरिलेशन ग्राफ और स्कैटर डायग्राम की चर्चा करते हैं, और मैथमेटिकल मेथड्स में भी डिस्कस करते हैं कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड, और कैंडेल्स का भी रैंक डिफरेंस मेथड है और रैंक कोएफिशिएंट मेथड्स है. यहाँ हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की बात करेंगे. स्पीयरमैन ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे, और जब भौगोलिक तथ्यों में सामाजिक विज्ञान के तथ्यों में कार्ल पियर्सन के विधि से कोरिलेशन किया जाता था तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आता था, उसमें कुछ त्रुटियां आती थी. उन त्रुटियों को दूर करने के लिए स्पीयरमैन ने एक अलग विधि का प्रतिपादन किया जिसे रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड कहते हैं. चूंकि यह स्पीयरमैन का प्रतिपादन है इसलिए उनका नाम जोड़ करके स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड अथवा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है. हिंदी में इसको स्पीयरमैन कोटि गुणांक सहसंबंध विधि कहते हैं अथवा कोटि अंतर विधि भी कहा जाता है, कर्मांतर रीति भी कहा जाता है और अनुपस्थिति रीति भी कहा जाता है. अब 1900 ईस्वी में कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड निकला था और उसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए 1904 ईस्वी में स्पीयरमैन ने मुद्दा उठाया, और वह मुद्दा था कि वैसे भौगोलिक तथ्य, वैसे सोशल साइंस के तथ्य या वेरिएबल जिनको न तो काउंट किया जा सकता है नहीं तो उसको तोला जा सकता है और नहीं तो उसको मापा जा सकता है. ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्ट्स का ऐसे सोशल साइंस के वेरिएबल के बीच कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए उन्होंने रैंक का सहारा लिया. इसमें पारिभाषिक रूप में अथवा परिचय के रूप में कह सकते हैं वैसे भौगोलिक तथ्य जिनकी न तो गिनती की जा सकती है और न ही तौल अथवा माप की जा सकती है, ऐसे तथ्यों के मध्य कोटि के आधार पर सहसंबंध निकालने की विधि कोटि गुणांक सहसंबंध विधि कहलाता है. कोटि गुणांक सहसंबंध विधि का प्रतिपादन ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने किया था. तो स्पीयरमैन ने इसमें दो चीज का समावेश किया था, एक डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन. डायरेक्शन में क्या निकलेगा, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन, यानी दो तथ्यों के बीच में जो कोरिलेशन होगा, सहसंबंध होगा, या तो धनात्मक दिशा में होगा अथवा ऋणात्मक दिशा में होगा. और इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेशन है इसको सबरो, ग्रीक वर्ड, ग्रीक लेटर है, इसको सबरो कहा जाता है. जो ये इस प्रकार से कर सकते हैं या इस प्रकार से कर सकते हैं, या हम लोग सीधा सीधे अगर पढ़ें तो आरपी अथवा आरएस कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण किया जाता है सबरो. और वैसे भौगोलिक तथ्य जिसको गिन नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, कौन से ऐसे तथ्य हैं, तो अनकाउंटेबल, अनमेजरेबल, अनवेरिएबल ज्योग्राफिकल फैक्ट्स है ब्यूटी, कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, मोरलिटी, विजडम, बुद्धिमत्ता को न तो हम गिन सकते हैं और न तो हम काउंट कर सकते हैं. उसी तरह से ईमानदारी को, नैतिकता को, मोरलिटी को, ईमानदारी को, इंटेलिजेंस को, ब्यूटी को, कैरेक्टर को, कोई भी भौगोलिक तथ्य न तो काउंटेबल है, न तो मेजरेबल है, न तो वेएबल है. तब दो जब इसका हम कोरिलेशन निकालेंगे तो कोरिलेशन का जो रेंज होगा, जो विस्तार होगा, वह प्लस माइनस वन के बीच होगा, माइनस वन
और प्लस वन के बीच ही होगा। उसका विस्तार कैसे होगा, देखिए यहाँ जीरो है और जीरो के दाहिने साइड में हम पॉजिटिव डायरेक्शन का रेंज दिखा रहे हैं और ये जीरो से बाएं साइड में निगेटिव डायरेक्शन का रेंज दिखा रहे हैं। पॉजिटिव में डेसिमल वन, डेसिमल टू, डेसिमल थ्री, डेसिमल फोर, डेसिमल फाइव, इस तरह से डेसिमल सिक्स, डेसिमल सेवन, डेसिमल एट, डेसिमल नाइन और प्लस वन। उसी तरह से माइनस की तरफ जाते हुए माइनस वन की तरफ पहुंचेंगे और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया और यह रेंज जो है इसको नाम क्या देंगे, अगर जीरो से लेकर के पॉइंट डेसिमल टू तक है तो यह कोरिलेशन नेग्लिजेबल होगा। दो वेरिएबल के बीच में अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं वैसा कोरिलेशन नेग्लिजेबल होगा, लेकिन अगर रिकोरिलेशन डेसिमल टू वन टू डेसिमल फोर तक आता है तो मॉडरेट कोरिलेशन कहलाता है। जीरो डेसिमल फोर वन से लेकर के जीरो डेसिमल सेवन तक हाईली मॉडरेट कोरिलेशन कहा जाता है। 0.71 से लेकर के 0.9 तक हाई कोरिलेशन अथवा सफिशियंटली हाई कोरिलेशन कहा जाता है। 0.91 से लेकर के 0.99 तक वेरी हाई कोरिलेशन कहा जाएगा और जब प्लस वन आता है अथवा माइनस वन आता है तो उसको परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। प्लस आने पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे और माइनस वन आने पर परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। इसके लिए स्पीयरमैन ने एक सूत्र दिया है, सब रो इक्वल टू वन माइनस सिक्स समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यू माइनस एन। इसी को दूसरे रूप में भी कहा जा सकता है, सब रो इक्वल टू वन माइनस सिक्स समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। भाई जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यह ध्यान रखना होगा कि समेशन डी इक्वल टू जीरो आना चाहिए। समेशन डी इक्वल टू जीरो आता है, इसका अर्थ हुआ कि इसके पहले रैंकिंग देने का काम बिल्कुल सही है। अगर समेशन डी इक्वल टू जीरो नहीं आता है तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। देखिए कि एक उदाहरण लेते हैं जिसमें इफ रैंक इज गिवन, अगर दो वेरिएबल का जो अनकाउंटेबल है, अनवेबल और अनमेजरेबल है, उसमें रैंक दे दिया गया है, अगर रैंक दे दिया गया है तब हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। देखिए एक वेरिएबल वन का रैंक है तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, वाई नंबर वन टू थ्री फोर और ये फाइव, पांच लड़के हैं और पांचों यानी कि पांच हमारा स्कोर है तो n इक्वल टू फाइव हुआ। तो इसमें पहला जो है उसको तीसरा रैंक मिला है, दूसरे को चौथा रैंक मिला है, तीसरे को पांचवा, चौथे को पहला और पांचवे को दूसरा, रैंक वन ये हो गया। दूसरा रैंक है टू वन थ्री फोर फाइव, इस तरह से रैंक दिया गया है। यहाँ अगर रैंक दे दिया गया है तो आसान है, बिल्कुल उसका केवल डिफरेंस निकाल लेंगे, तीन में से दो गया एक, चार में से एक माइनस किए तो तीन, फाइव में से थ्री माइनस किए तो टू, वन में से फोर माइनस किए तो माइनस थ्री और टू में से फाइव माइनस किए तो माइनस थ्री। अब इसका हम डिफरेंस का समेशन करते हैं तो थ्री एंड थ्री सिक्स निगेटिव हो गया और तीन थ्री प्लस टू प्लस वन, छ माइनस साइड में और छ प्लस साइड में, सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, समेशन डी इक्वल टू जीरो, अर्थात यहां तक का काम हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद केवल डी का स्क्वायर निकाल देंगे, प्लस वन का स्क्वायर वन, प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस टू का स्क्वायर फोर,
-3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार से सभी स्क्वायर वाले को हम ऐड कर देंगे तो हमारा समेशन डी स्क्वायर निकल जाएगा। इसको ऐड करने पर 32 आता है, अर्थात समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 32। अब देखिए हमने फॉर्मूला बैठा दिया यहां पर, ये फॉर्मूला है सब रो इक्वल टू 1-6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यू माइनस एन। इसका हम वैल्यू बैठा दे रहे हैं 1-6 इंटू समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू, यहां समेशन डी स्क्वायर है इसका वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया 32 डिवाइडेड बाई एन, एन इक्वल टू 5, तो 5 का क्यू कर दिए अर्थात 5 × 5 × 5 − 5। अब इसका वैल्यू देते हैं 1-6 × 32 इक्वल टू, आप गुना करके देख लीजिए 192 होता है, और 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125 − 5 अर्थात 120। अब इसी को फ्रेश करके हम यहां लिख दिए हैं 1-192 डिवाइडेड बाई 120। अब इसको दो जगह दो तरह से करते हैं, या तो हम इसको 120 को लघुत्तम के रूप में लेकर के इसका सिंपल कैलकुलेशन कर दें, और नहीं तो ज्योग्राफी में हमने ये विधि सीधा सीधी विधि इसलिए अपनाया है कि ज्योग्राफी सोशल साइंस डिसिप्लिन में आता है, लोग मैथ से बचना चाहते हैं, इसीलिए सीधा सीधी इसको हमने भाग दे दिया 192 डिवाइडेड बाई 120, तो इसका आंसर आ गया 1.6। अब देखिए 1-1.6 एक में से 1.6 घटाएंगे तो हमेशा यह बड़ा हो जाता है, 1 छोटा हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा। 1 में 1.6 घटाते हैं तो -0.6 आता है, तो माइनस में आया इसलिए डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन इज नेगेटिव, और नेगेटिव का कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड हो गया हाईली मॉडरेट। इसका स्केल हम पहले बता चुके हैं कि हाईली मॉडरेट होगा। अब देखिए हम एक प्रश्न रखते हैं इसको, कंप्यूट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। एक डेटा है एक्स और वाई दोनों का वैल्यू 5-5 वैल्यू रखा हुआ है, इसी यह ई हॉरिजॉन्टल शेप को हम सॉल्व कोरिलेशन निकालने के लिए, देखिए हम सबसे पहले करते हैं कि टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं, एक्स को 250 260 280 200 240 जो यहाँ एक्स का वैल्यू है स्कोर है, एक्स का स्कोर को हम यहाँ ले आते हैं और वाई के स्कोर को यहाँ वर्टिकल फॉर्म में हम रखते हैं। अब एक्स का आर यानी रैंक हम स्वयं निकालते हैं। रैंक निकालने की दो विधि है, पहली विधि या तो लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर अथवा हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर, आप जो भी विधि अपनावें हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर जाएं तो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल के लिए एक ही होना चाहिए, अथवा लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर जाते हैं तो दोनों के लिए एक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स के लिए लोएस्ट से हाईएस्ट और वाई के लिए हाईएस्ट से लोएस्ट, तब आपका कोरिलेशन गलत हो जाएगा। दोनों में एक ही विधि, आइदर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट और फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, हम यहाँ फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट गए हैं, सबसे छोटा डिजिट यहाँ 200 है, 200 के लिए एक्स को हमने एक रैंक दिया है, 200 के बाद 240 है, 240 के लिए हमने दो रैंक दिया है, टू रैंक, थर्ड है 250 थ्री रैंक, 260 4 रैंक, 280 5 रैंक। सिमिलर पैटर्न को अपनाते हुए वाई के लिए भी जो हमने रैंक किया है लोएस्ट डिजिट इज 120, 120 के लिए 1 रैंक, फिर 130 के लिए 2 रैंक,
60 के लिए 3 रैंक, 190 के लिए 4 रैंक और 210 के लिए 5 रैंक, दोनों का हमने रैंक निकाल दिया। अब पुनः वही काम करेंगे जो पहले किए थे, रैंक 1 माइनस रैंक 2 में डिफरेंस अर्थात डी निकालेंगे। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू प्लस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू प्लस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू प्लस 2, 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 और 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। अब इसका डी स्क्वायर निकाल देंगे, प्लस 1 का डी स्क्वायर होगा 1, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 माइनस 3 का 9। अब पुनः इसको हम ऐड कर देंगे, समेशन कर देंगे, समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए इसको ऐड कर दीजिए चार पांचों को तो आ जाएगा 32। तो यहां हमने फॉर्मूला रखा सब रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। इसी फॉर्मूले के आधार पर 1 माइनस 6 यहां समेशन डी स्क्वायर को ले आवेंगे तो 6 इंटू 32 और n, n का वैल्यू 5 है, n का 5 स्कोर, जितना स्कोर रहेगा n का वैल्यू उतना होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 5 है तो n का मतलब 5, n का इक्वल टू 5 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 पक्का क्यू माइनस n यानी 5। अब 6 इंटू 32 इक्वल टू 192 हो जाएगा और यह 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125, एन माइनस एन का मतलब 5, यहाँ 5 माइनस कर देंगे टोटल आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 121 माइनस 192 डिवाइडेड बाई 120। फिर लिखेंगे इक्वल टू 1 माइनस, ये दोनों को ही हम भाग दे देंगे सीधे, 192 डिवाइडेड बाई 120 को भाग कर देते हैं तो 1 माइनस 1 डेसिमल 6 और 1 में 1 डेसिमल 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.6, ये आ जाएगा तो डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन इज नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन इज हाईली मॉडरेट। अब आगे हम यह देखें कि अगर यहां तो सभी एक्स वाई का अलग अलग वैल्यू है इसलिए अलग अलग आराम से हम दे दिए, लेकिन अगर यह सेम 250 ये है 250, यहां भी 250 रहता, टू और मोर स्कोर आर इक्वल देन इनवर्ट वे रैंक विल बी गिवन, दो या दो से अधिक स्कोर बराबर है तब तो रैंक कैसे दिया जाता है इसको दे। अब आप देखिए यहाँ एक अलग प्रश्न रखे हैं, कंप्यूट स्पीयरमैन रैंक कोर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा। इसमें देखिएगा कि एक्स का वैल्यू 250, 260, 280, 280, 240 यानी दो स्कोर इक्वल है 280 एंड 280। उसी तरह से वाई में देखिए, वाई में 130 130, दोनों इक्वल रहे स्कोर, इक्वल रैंक है, इक्वल स्कोर है तो रैंक भी इक्वल होना चाहिए, अगर स्कोर इक्वल होता है तो रैंक भी इक्वल होना चाहिए, 130 130 160 190 200। इसको सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं, 150 एक्स का है 250 260 280 280, ये दोनों रैंक इक्वल है 280 और 280 और वाई में 130 130, दोनों का इक्वल रैंक है। रैंक हम समान विधि से देंगे जैसे पहले दिए थे, एक स्मॉल लेस्ट को 1, 240 स्मॉलेस्ट है 1 रैंक दिए, इसके बाद 250 को 2 रैंक दिए हैं, 260 को 3 रैंक दिए हैं और चौथा और पांचवा जो स्कोर है दोनों इक्वल है, इसके लिए हम करेंगे
चौथा और पांचवा यानी 4+5 इक्वल टू 9/2 दोनों के स्कोर को ऐड करके हम 2 से भाग दे देंगे इक्वल 4.5 आता है, तो दोनों को हम 4.5 और 4.5 रैंक डालेंगे। उसी तरह से 230 130 130 दोनों फर्स्ट और सेकेंड रैंक है, फर्स्ट एंड सेकेंड 1+2 1+2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1.5, तो 130 130 को 1-2 नहीं दे करके 1.5 रैंक 1.5 रैंक, दो गो को रैंक मिल गया, तीसरे को 160 को तीसरा रैंक, 190 को चौथा रैंक, 210 को पांचवा रैंक। अब दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 2 - 1.5 इक्वल टू +0.5, 3.1.5, 3 में से 1.5 को माइनस करने पर आता है 1.5, 4.5 में -3 इक्वल टू +1.5, 4.5 -4 इक्वल टू +0.5 एंड 1 - 5 इक्वल टू -4। अब सबका उसी विधि से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके +0.5 इंटू 0.5 से स्क्वायर कर गुण ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.25, फिर 2.25 2.25 0.25 एंड 16, और ये सभी को डी को डी स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे तो समेशन डी स्क्वायर निकल जाएगा, समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 21। फिर उसी फॉर्मूले पर हम आगे चलेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे सब रो इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m³ - n, फॉर्मूला हमने डाल दिया। और फॉर्मूला डालने के बाद हम इसका डी स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर को पोस्ट करेंगे, 1 - 6 इंटू 21 समेशन डी स्क्वायर है तो यहाँ 21 डाल दिए, और इसका भी n का वैल्यू 5 है, स्कोर की संख्या 5 है तो 5q - 5, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 125 डिवाइडेड बाई 125 - 5, दोनों को इसको हम माइनस कर देंगे तो कुल आता है 125 126, 1 - 126 डिवाइडेड बाई 120, और सीधा सीधी इसी को हम भाग दे देंगे तो 1 - 1.2 1.05, और 1 में 1.05 माइनस कर देंगे तो आएगा -0.05। अब यह -0.05 आ गया तो नेग्लिजेबल, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन इज नेगेटिव बट मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन जो मात्रा है कोरिलेशन का वह नेग्लिजेबल है, बहुत ही कम है। तो आवर आंसर इज डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन इज नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड इज नेग्लिजेबल। अब इस विधि का मेरिट और डिमेरिट पर हम ध्यान देते हैं। मेरिट क्या है कि समेशन डी यानी डिफरेंस का जब समेशन करते हैं तो समेशन डी का वैल्यू हमेशा जीरो होता है, जो कैलकुलेशन को स्वतः चेक कर देता है, हमको अलग से चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें इनबिल्ट चेक दिया हुआ है कि अगर समेशन डी इक्वल टू जीरो नहीं आया तो मतलब आपको रैंक देने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अगर समेशन डी इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हमारा कैलकुलेशन अब तक ठीक है। दूसरा फायदा है कि कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की तुलना में आसानी से कोरिलेशन जान लेते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के द्वारा, यह इसका फायदा है। तीसरा मेरिट है कि नॉन काउंटेबल जिसकी जिस वेरिएबल की गिनती ना हो सके, नॉन मेजरेबल जिस वेरिएबल को हम माप नहीं सकते हैं, नॉन वेएबल यानी जिस वेरिएबल को हम तौल नहीं सकते,
सकते हैं, वैसे भौगोलिक तथ्यों का कोरिलेशन भी रैंक दे करके निकाला जा सकता है, रैंक के माध्यम से निकालना आसान हो जाता है। चौथा है वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यह इसका जो फॉर्मूला है कोरिलेशन का, स्पीयरमैन का, यह बहुत ही आसान है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। स्पीयरमैन की यह विधि आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि यह रैंक पर आधारित है। और लेकिन इसके दो अवगुण भी हैं, अवगुण डीमेरिट यह है कि बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब डाटा होगा तो उसके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होगा। दूसरा, अगर सैंपल साइज लार्ज होगा, सैंपल साइज लार्ज का मतलब एबव 30 और 30 एंड बिलो सैंपल साइज है तो इसको स्मॉल सैंपल साइज कहा जाता है। अगर सैंपल साइज एबव 30 है तब यह विधि काफी कॉम्प्लेक्स और टीडियस हो जाता है, आसान कोरिलेशन निकालना आसान नहीं होता है।